खबर है दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट से। दिल्ली नगर निगम के अधीन आने वाले राजन बाबू टीवी हॉस्पिटल के पैरा मेडिकल स्टाफ, नर्सेज और अब अस्पताल के सफाई कर्मचारी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। सबकी मांग एक ही है कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, पिछले 10 दिनों से यह धरना प्रदर्शन जारी है। हर रोज 11 बजे से 12 बजे के बीच 1 घंटे के लिए धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन अब तक इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यह आज से शुरू किया गया है। धरने पर बैठे पैरा मेडिकल स्टाफ ने बताया कि 3 महीने से वेतन ना मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। गाड़ी की किस्त, बिजली का बिल, रोज का आने का जाने का खर्च, घर का किराया या किस्त भी देनी होती है। तनख्वाह ना मिलने के कारण दूसरों से उधार लेकर अब तक काम चला रहे थे, वो अभी बंद हो गया है। अपने ही प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। धरना प्रदर्शन से भी नगर निगम नहीं माना तो हम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों में हमें कोई परेशानी नहीं है, अस्पताल की मेडिकल सेवाएं जारी रहती हैं और अपना धरना प्रदर्शन करने के बाद हम वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाते हैं ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल के परिसर में ही स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सबको हमने अपनी शिकायत लिखित में भी दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। RBTV अस्पताल के डॉक्टर इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं, बाकी लैब टेक्नीशियन, नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारी सभी लोग इस हड़ताल में शामिल होकर निगम से अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल जायज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, संजय सिंह। मेरा नर्सिंग सिस्टर फिलोमिना माइकल। नर्सिंग जी, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं आप, कितने दिन से चल रहा है और क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर, ये हमारा अभी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। अच्छा, ठीक है। हमने इनको लेटर दिया है, अगर हमारी डिमांड जितने भी है पूरे नहीं करेंगे, सैलरी टाइम पे होना चाहिए, अरियर्स देना चाहिए, 7th CPC का अभी तक अरियर नहीं दिया है। अच्छा। ये सब डिमांड है हमारा, अगर नहीं देंगे हम एजिटेशन पे जाएंगे। हमने लेटर दिया, इन लोगों ने हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। उसके बाद जो है हम 1 हफ्ते से ऊपर 1 आवर एजिटेशन कर रहे थे 11 से 12। सिस्टर, क्या अभी भी अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, क्या कुछ बड़ी स्ट्राइक भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर हमारी ये जो 9 से 12 वाला धरना अगर ये लोग नहीं सुनते, हम फिर उसके लिए भी लेटर देंगे, इनडेफिनिट स्ट्राइक में जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे साथ। आपका नाम आरफ भैया है जी। अरे जी, कहा किस पोस्ट पर है आप अस्पताल में? और मैं यहाँ पे सीनियर फार्मासिस्ट हूँ जी, और मैं जो पैरामेडिकल टेक्निकल स्टाफ वेलफेयर स्टेशन का कोऑर्डिनेटर हूँ। दैया साहब, क्या क्या कारण रहा है जो अब प्रोटेस्ट जारी है? पिछली बार भी हम कवर करके गए थे आप लोगों को। देखो, हमारा सैलरी का मुद्दा है और ये सैलरी का मुद्दा बहुत पुराना है। अच्छा, जब भी हम ट्राई करते हैं तो हमारी सैलरी आ जाती है जी, फिर वही 2-4 महीने की हो जाती है। अभी हमारे को 3 महीने की सैलरी नहीं मिली और आज के करीब 100 दिन उसके हैं। अच्छा, और अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली है। सैलरी नहीं मिल पाई है? हाँ जी, हाँ जी। फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं, क्या लग रहा है? सरकारें भी जो है सम्मान दे रही थी, कोरोना वॉरियर्स मान रहे थे आप लोगों को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार सुन रही है आप लोगों की, तनख्वाह मिल पाएगी? देखो, हम अपने ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और यहाँ के वॉरियर्स हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन मानती है तो अच्छी है जी। वैसे हमें किसी तारीफ की, किसी परिचित के मोहताज नहीं है, हम अपने ईमानदारी से काम करते हैं। दया साहब, मैं राजेश शर्मा, हॉस्पिटल एम्प्लॉयज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। राजेश शर्मा जी, क्या कारण रहा जो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि धरना प्रदर्शन हमारी अलग अलग यूनियंस ने अलग अलग समय पे किया, तो हमारी बातों को नहीं सुना गया। हमारी 4 महीने की सैलरी जो है पेंडिंग है, जिसमें से 1 महीने की सैलरी का आश्वासन प्रशासन ने दिया, लेकिन अभी तक वो हमारे अकाउंट में नहीं आई है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना काल में जब सभी लोगों को आर्थिक परेशानी है,
हमारी बात की तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता है। क्या अगर सरकार बात नहीं मानती आप लोगों की, किसी बड़ी स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, अभी हमने 9 से 12 में प्रदर्शन का जो वो किया है, यदि प्रशासन हमारी बात समझ लेता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग या तो भूख हड़ताल करेंगे या फिर हम अस्पताल को बंद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से हमेशा ऐसा होता आया है सर, की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि जो मरीज यहाँ पर आ रहे हैं आप लोग स्ट्राइक पर हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? देखिए जहाँ तक सर्विस भी चालू है आपकी, जहाँ तक टीबी अस्पताल का सवाल है, टीबी अस्पताल ने कभी भी आज तक के इतिहास में हमारे मरीजों की सेवा को नहीं रोका है जी। इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा चालू रही हैं और भी जो चीज़ें हैं वो चालू रही हैं जी। और ये जो प्रदर्शन हमें करना पड़ रहा है, ये मजबूरन करना पड़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की है। यदि प्रशासन हमारी बातों को मान ले, और जो कि जायज़ हम सैलरी मांग रहे हैं, वेतन मांग रहे हैं, मूलभूत आवश्यकता है वेतन की, यदि वेतन ही नहीं मिलेगा तो आदमी का, हमारे गाड़ियों में पेट्रोल नहीं है, हमारे बच्चों को खाने के लिए वो नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे? ठीक है सर, हमारी मांग जायज़ है।